सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रांची का आदिवासी महोत्सव 2024 का, जो कि रांची के जेल पार्क में मनाया जा रहा है, जहां पे हमारे मुख्य गेस्ट में जो आने वाले हैं वो हैं आने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस जैसे महुआ माझी और भी बहुत कोई आने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, फाइनली हम अभी आ चुके हैं जेल पार्क। ये देख सकते हैं, और यहाँ का भीड़ भड़ाका देखकर काफ़ी ज़्यादा ही अलग सा माहौल लग रहा है। अब चलिए चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। सो गाइज, अभी आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है, आप देख सकते हैं। सो गाइज, अभी जो आप यहाँ पे कैंप देख रहे हैं, बहुत सारा कैंप लगाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे झारखंड की अलग अलग कलाकृतियों को दर्शाया गया है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस कैंप में और आपको दिखाते हैं कि इस कैंप में आखिर है क्या। सो हे गाइस, इस वाले कैंप में जैसे कि देख रहे थे आप, यहाँ पे कपड़ों की बुनाई हो रही है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे शॉप लगाए गए हैं, जिसमें कई सारी तरह का झारखंड से जुड़ी हुई चीज़ें मिल रही है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं आदिवासी व्यंजन वाले साइड, जहाँ पे भाई यहाँ के झारखंड का आपका खाना मिल रहा है, जैसे छीका रोटी, मड़ुआ रोटी, गुड़ पीठा और भी अलग अलग प्रकार के व्यंजन यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे लग रहे थे और लोग यहाँ का आनंद उठा रहे थे, यहाँ पर खा रहे थे। सो गाइज, अभी जो आप देख रहे हैं वो है झारखंड की कलाकृति, जो कि आपको लाइव दिखाई जा रही है, और यहाँ पे हो रही है काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग, और जैसा कि आप देख सकते हैं पेंटिंग कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे ये रहे हमारे कलाकार।
सो गाइज, अब जो आपको दिखा रहे हैं वो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी। ये देखिए, राज्य सरकार ने किस तरह से आयोजन किया है, कलाकार यहाँ आए हैं, बड़े से कलाकार ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक राष्ट्रीय शस्त्र वेशभूषा के साथ रंग बिरंगे झंडा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, जो आज यहाँ धरती आबा बिरसा मुंडा जी की स्मृति में बने इस पार्क में, उसी जहाँ पर जेल थी पुरानी जेल जिसमें अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को रखा था, पार्क में आज आयोजन दिवसीय है और लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ा है और तरह तरह के साहित्य सब की झलक आपको यहाँ मिलेगी। मैं अपील करूँगी आप सभी से आइए और दो दिनों तक आदिवासी दर्शन आदिवासी साहित्य और प्रकृति के साथ जीने की कला सीखिए। बिल्कुल, हमारे साथ मवा मांझी थे हेमंत सोरेन थे, जिन्होंने कहा है कि आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर किस तरीके से आदिवासियों की झंडा आज राजा मैं विश्व आदिवासी दिवस बधाई शुभकामना देता हूँ सबको और सबसे अपील करूँगी कि झारखंड में ये भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति पार्क में आए और दो दिवसीय आदिवासी जो यहाँ पर एक तरह से एक बहुत अच्छा मेला है, एक सांस्कृतिक समारोह है, इसका लुत्फ उठाएँ। इसमें देश भर के आदिवासी कलाकार आए हैं, यहाँ पुस्तक मेला आदिवासी साहित्य का भी चल रहा है, यहाँ पर नृत्य संगीत साहित्य हर चीज़ को आप एक साथ देख पाएंगे और एक ही कैंपस के अंदर। ये माननीय हेमंत सोरेन जी की अनूठी पहल है, 3 साल से ये हो रहा है विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर और इसका। सो गाइज, शिबू सोरेन भी आए हुए थे लेकिन हम उनका वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे, जिसके वजह से उनका वीडियो ही नहीं कर पाए और वो चले गए थे, उसके लिए सॉरी। तो हे गाइज, लास्ट में मिले हमको रांची के कंटेंट क्रिएटर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर राजीव कच्छप। बोलना क्या चाहेंगे आपको, मतलब एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, एडवाइस देना। देखिए, आपको यही बोलना चाहेंगे कि कोई भी अगर वीडियो बनाता है तो सबसे पहले कुछ यूनिकनेस लाइए आप लोग, ठीक है जी। तो और जल्दी चैनल, झारखंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? झारखंड को लेकर बस यही सोचते हैं कि जितना कोई भी फील्ड में सब कोई आगे बढ़ते रहे, बस झारखंड से कहीं से भी पता चले झारखंड से ये है, झारखंड से ये, कोई भी फील्ड में बस तरक्की करते रहो अपने अपने लाइफ में। आपका जब से 2000 सब्सक्राइबर था तब से आपको देख रहे हैं। अरे थैंक यू। और आज के टाइम में आपका 24000 सब्सक्राइबर हो चुका है, 1,23,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स। हाँ, और भी होगा, सपोर्ट करते रहिए, जरूर करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।